सत श्री अकाल जी, साडे चैनल विच तुहाडा बहुत 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 स्वागत है। आज दी वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, कर्जा उतारन दा रामबाण उपा असी लेके आए हां, क्योंकि बहुत लोकां दी रिक्वेस्ट आ रही सी कि कर्जा उतारन दा कोई वधिया जा उपा लेके आओ। वैसे तो मैं अपने चैनल विच कर्जा उतारन दी वीडियोज़ होर भी अपलोड कीतियां हुई हैं, पर यह वाला जिहड़ा उपा असी लेके आज आए हाँ, यह बड़ा ही रामबाण उपा है। तुसी श्रद्धा नाल ईमानदारी नाल जे यह उपा करोगे तो 100% तुहाडा कोई भी जो कर्जा होएगा, भावें तुसी अपने बिजनेस वास्ते लिता होवे या नवा घर बनाने वास्ते लिता होवे, या फिर तुहानू कोई मजबूरी होवे, मजबूरी विच तुसी लिता होवे कि घर दा परिवार दे हत्थों लोग मजबूर हो जाते हैं ना कि घर का गुजारा नहीं चल रहा है, तां वी सानू कर्जा चुकन की कदी ना कदी नौबत आ जाती है। तो क्योंकि देखो कोई भी इंसान कभी भी शौक दे नाल किस अपने उत्ते कर्जा नहीं चढ़ाता है, क्योंकि मजबूर हो के ही किसी नूं शौक नहीं आंदा दूसरे दे अगे हाथ फैलाण दे। मजबूरी ही इंसान नूं ए काम करवांदी है। कर्जा दुनिया दा सब तो वड्डा अभिशाप है। अज दे उपा विच भावें तुसी कर्जा किवें भी चुक्या होवे अपने घर दी परेशानी वास्ते, अपने घर दे खर्चे पूरे करन वास्ते, या फिर तुसी कोई नवा बिजनेस शुरू करना चाह रहे सी तां तुसी कर्जा चुक्या, या अपना नवा घर बनाने वास्ते तुसी कर्जा लिता, उस वेले तुसी ए सोच के कर्जा चुक्या सी कि बिजनेस वास्ते कर्जा लै रहे हाँ, बिजनेस चल जाएगा ते कर्जा नाल दे नाल किश्त वापिस करी जावांगे, पर हुण तुसी ओ किश्त दे नहीं पा रहे हो, या फिर घर नवा बनाने की सोची सी ते तुसी नहीं किश्त वापिस कर पा रहे हो। ते अज दा जिहड़ा उपा है, कारण कोई भी होवे तुसी कर्जा वापिस नहीं कर पा रहे, पर यह उपा करन नाल तुसी जिन्ना भी कर्जा तुहाडे उपर चढ़िया होया है कुछ ही दिना या ज्यादा तो ज्यादा महीनों विच तुहाडा यह कर्जा बिल्कुल ही उतर जाएगा ते तुहाडी यह परेशानी हमेशा वास्ते दूर हो जाएगी, जिस दे कारण तुहानू रात भर नींद नहीं आती है। इस दे नाल नाल तुहानू कुछ गल्लां दा भी ध्यान रखना है। जिस वेले तुसी कर्जा चुकते हो या जिस वेले तुसी कर्जे की किश्त वापिस करनी है, यह सब मैं अज दी वीडियो विच दसन वाली हाँ, इस करके वीडियो दे अंत तक जरूर बने रहना। उस तो पहले मेरी हाथ जोड़ के सारयां दे अगे बेनती है, जेकर मेरे चैनल ते नवे आए हो जी तां मेरे चैनल नू सबसक्राइब कर लो, वीडियो चंगी लगती है तां वीडियो नू लाइक अते शेयर जरूर करो, ते कमेंट विच अपनी हाजिरी जरूर लगवाना जी। जो भी मैं उपा दसदी हाँ उस बारे जो भी तुहाडा फीडबैक होंदा है वह कमेंट विच जरूर लिखिया करो जी। ते हुण आपां गल करदे हाँ कर्जे बारे, जो कि तुसी मजबूरी विच चुक लिता है या अपना कोई नवा बिजनेस शुरू करने वास्ते चुकिया है, मकान बनाने वास्ते चुकिया है, कारण कोई भी होवे पर तुसी हुण ओ कर्जा माफ नहीं कर पा रहे हो, तो इस दे लई तुहानू सब तो पहले तो एक गल मैं दस देवां कि अगर जेकर कोई भी जो कर्जा कभी भी तुसी किसी तो लेंदे हो तो एक गल का हमेशा ध्यान रखना कि मंगलवार वाले दिन कभी भी कर्जा किसी तो मंगन ना जाना। यह गल कॉपी पेंसिल लेके नोट करके लिख लो, कभी भी कर्जा लैन जो तुसी जाना है, भावे बैंक विच जाओ, किसी दे कोलो पर्सनल लोन ले रहे हो, कभी भी जाओ मंगलवार नू तुसी कर्जा नहीं चुकना है, क्योंकि मंगलवार वाले दिन जेकर तुसी कर्जा चुकते हो तो उस नू बड़ा ही अशुभ मनिया जाता है। तो वह कर्जा बड़ा ही कहते हैं ना कि एक कर्जा होता है जिहड़ा आपां लिता और टाइम सिर उसनू उतार दिता वह पता भी नहीं चलता, पर कई कर्जे ऐसे होंदे हन कि वह खत्म ही नहीं होंदे। इस करके मंगलवार वाले दिन तुसी वह कर्जा कभी भी नहीं लेना है। इस दे नाल दूजी गल केड़ी है, जदों तुसी अपने कर्जे की किश्त देन जाना है
भावे बैंक विच जा रहे हो या किसी तो तुसी लिता है उस नू देन जा रहे हो बैंक किश्त कर्जे दी, ओ भी तुसी मंगलवार नहीं देन जाना है। समझ आ गई है कि ना ही ता मंगलवार नू कर्जा चुकना है, ना ही मंगलवार नू किश्त अपनी कर्जे दी देन जानी है, क्योंकि जेड़े मंगलवार नू कर्जा चुकदे हन जां किश्त देन जांदे हन तुहाडी जिंदगी बीत जाएगी पर तुहाडे सिर तो कर्जा कदी नहीं खत्म होएगा, ब्याज ते ब्याज पैंदा जाएगा पर तुहाडा कर्जा कदी भी खत्म नहीं होएगा। ऐ गल कॉपी ते बार बार कॉपी ते मैं इस करके कह रही हां कि कदी भी भूल जाओ तो तुहानू ऐ कॉपी खोल के याद कर लेना कि ऐ गल मंगलवार वाले दिन ना कर्जा लेना है ना ही किश्त देनी है, किश्त देन जानी है। आज दी बुधवार नू चले जाओ, होर केड़ा भी दिन चुन लो लेकिन मंगलवार वाला दिन नहीं। हुण मैं तुहानू दसदी हां कि तुसी कर्जे तो परेशान हो ता हुण तुसी इस परेशानी तो दूर हो जाओगे, ऐ उपाय तुसी करना है। ते ओ उपाय केड़ा है? बड़ा ही सिंपल सरल सात्विक घरेलू उपाय है, ठीक है। सात्विक उपाय दा बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है और इसका भी तुहानू रिजल्ट जरूर मिलेगा। पेशेंस रखने की जरूरत है, ईमानदारी नाल करना। करना की है तुसी एदे विच, सब तो पहले तुसी एक प्रसाद तैयार करना है, ठीक है। और प्रसाद केड़ा है? छोले पुज्जे हुए। सब नू पता होएगा कि पुज्जे हुए जिहड़े छोले होंदे हन ओ तुसी ले लेने एक मुट्ठी भर के, ठीक है। एक मुट्ठी भर के छोले पुज्जे हुए ले लो, उस नू प्लेट विच रखो ते नाल दे नाल गुड़ दियां छोटियां 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 डलियां कर लो, थोड़ा जा एक मुट्ठी ओ भी हो जाए जा एक कटोरी ले लो। जे एक कटोरी तुसी छोले पुज्जे हुए लिते हन उदे ही बराबर तुसी एक कटोरी गुड़ दे छोटे छोटे लेकिन टुकड़े होण डलियां होण ओ ले लो। इन्हां दोनों नू तुसी आपस विच रला लो। छोले देख लो पुज्जे हुए जिहड़े लैने हन छिलके वाले ही लैने हन, उदे छिलके तुसी उतारने नहीं हन। ऐ जो प्रसाद सिंपल जा मिठा प्रसाद बन जाएगा, इस नू तुसी तैयार करके जेड़ी जगह ते तुसी पाठ पूजा दा जेड़ा तुहाडा स्थान है उत्थे ऐ प्लेट प्रसाद वाली रख देनी है। ते इस दे नाल नाल एक सुक्का नारियल लेना है। सुक्का नारियल लेना है, पानी वाला नहीं लेना है, सुक्का नारियल लेना है। ओ भी तुसी जिथे पूजा स्थान है तुहाडा पाठ पूजा करदे हो उत्थे रख देना। प्रसाद वाली प्लेट ते ऐ नारियल, ते नारियल दे उपर तुसी पेन नाल काले पेन नाल लिखना है। इस नारियल दे उपर तुसी काले पेन तो अलावा कोई पेन यूज नहीं करना है। काले पेन नाल नारियल दे उपर लिखना है कर्जा, ठीक है। एने दो काम करने हन, फिर तुसी अपने जो भी परमात्मा नू मनदे हो, ठीक है, अपने जेड़े भी धर्म दे देवी देवत्या जिसनू जिन्हां नू तुसी मनदे हो उन्हां दा ध्यान करके तुसी जाप करना है। सब तो पहला तुसी की करना है? मूल मंत्र दा जाप करना है, पांच वारी मूल मंत्र दा जाप करना है। उस तो बाद तुसी चौपाई साहब दा पाठ करना है। जदों तुसी जाप करोगे चौपाई साहब दा पाठ पढ़ोगे उस तो बाद तुसी हाथ जोड़ के परमात्मा नू याद करके जिस भी बंदे दा तुहाडा कर्जा है उस बंदे दा नाम लेके कि मैं ऐ कर रही हाँ ते मेरे सर तो ऐ परेशानी दूर करो, जेड़े भी मेरे सिर ते कर्जा चढ़िया है इस नू दूर करो। ऐ काम तुसी 11 दिन लगातार करना है, ठीक है। कोई औखा नहीं है, देखना कि महीने विच ही तुहानू उहदा रिजल्ट मिल जाएगा, उस तो पहले भी मिल सकता है। उपा जो भी जिवें दस्या है उस ते भी डिपेंड करता है कि तुसी किन्नी ईमानदारी नाल कर रहे हो, उस दे अनुसार ही फल मिलता है। तुसी अपने आप ही देखोगे कि तुहाडा कर्जा हौली हौली उतरना शुरू हो गया है। 11 दिन करना है जरूर, जिस हिसाब नाल दस्या है जिवें जिवें स्टेप बाय स्टेप दस्या है उवें ही करना है। फिर हुण ऐ जिहड़ा प्रसाद है तुसी अपनी फैमिली विच खा सकदे हो, जिहड़ा मिठा प्रसाद बनाया है उस नूं, ते जिहड़ा नारियल
ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 11 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ 11 ਦਿਨ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਵੇ 11 ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਦੀ ਕੋਈ ਤਲਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਗੁੜ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਤਵਿਕ ਉਪਾਅ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਪਾਅ ਜੇਕਰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ